दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम बात करेंगे हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा की, जिस विधानसभा के इस वक्त 2022 के चुनाव में अनुपमा रावत जी कांग्रेस की विधायक हैं, यानी कि 2022 का चुनाव कांग्रेस पार्टी के हाथ में। बहुत से ऐसी विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाएं हैं, जिसमें हरिद्वार जिले की 5 विधानसभाएं ऐसी हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी का विधायक है। बहरहाल अगर हम बात करें 2017 और 2022 के चुनाव की, उसको लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं कि 2017 के चुनाव में कौन जीता था। 2017 के चुनाव में स्वामी अतिश्वरानंद जी 2012 में भी जीते थे, 2017 में भी जीते थे, 2022 में चुनाव हार गए थे। आइए देखते हैं आंकड़े क्या कहते हैं। बीजेपी से चुनाव लड़े स्वामी अतिश्वरानंद जी, जिन्हें वोट मिले थे 44,964 वोट। कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़े हरीश रावत जी, जिन्हें वोट मिले थे 32,686। बीएसपी से मुकर्रम चुनाव लड़े और उन्हें वोट मिले 18,383 वोट। अदर्स को 2,180 वोट, टोटल 98,213 वोट मिले। अब सोचने वाली बात है, हरीश रावत जी 2017 के चुनाव में, जी हाँ ये वही हरीश रावत जी हैं जो 2009 के चुनाव में ऑलरेडी भाई उनकी वाइफ लड़ी थी, 2017 के चुनाव में हरीश रावत जी चुनाव लड़े विधानसभा का हरिद्वार ग्रामीण से और वहां से भी चुनाव हार गए और चुनाव जीते थे स्वामी अतिश्वरानंद जी। 2022 के चुनाव की बात करते हैं, 2022 के चुनाव में स्वामी अतिश्वरानंद जी फिर दोबारा चुनाव लड़े, मतलब ऑलरेडी दो बार विधायक रह चुके थे, कैबिनेट मंत्री भी रह चुके थे, अब 2022 का चुनाव लड़ रहे थे। तो इनके सामने चुनाव लड़ी हरीश रावत जी की बेटी अनुपमा रावत, वो चुनाव 5,000 वोटों से तकरीबन जीत गई। और बीएसपी से चुनाव लड़े मोहम्मद यूनुस, जिन्हें वोट मिले 4,547 वोट। अदर्स को वोट मिले 7,250, टोटल 1,07,381 वोट मिले थे, पड़े थे उस विधानसभा में 2022 के चुनाव में। तो 2017 का चुनाव, 2022 का चुनाव, हमने आपको दोनों चुनाव के बारे में बता दिया। इन दोनों चुनावों के रिजल्ट्स नतीजे आपके सामने हैं कि 2017 के चुनाव में बीजेपी जीती और 2022 के चुनाव में कांग्रेस। लेकिन जो बीजेपी जीती थी 2017 के चुनाव में बहुत अच्छा मार्जिन, तकरीबन 12,000 वोटों का मार्जिन, और जब 2022 का चुनाव होता है तो कांग्रेस पार्टी जीतती है 5,000 के मार्जिन से। लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आपको पता है, अब हम बताएंगे आपको कि हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से हरिद्वार लोकसभा में कितने वोट किस किस पार्टी को जाते हैं। स्क्रीन देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव में हरिद्वार ग्रामीण से हरिद्वार लोकसभा में 38,551 वोट मिले, कांग्रेस को 35,329 और बीएसपी को 8,493, अदर्स को 2,659 वोट। बीजेपी को जो 38,551 वोट मिले थे, बीजेपी उस लोकसभा चुनाव में 2014 के लोकसभा चुनाव में ज़्यादा वोट लेकर गई थी, वो वोटों का जो डिफरेंस है तकरीबन 3,000 के आसपास का है। लेकिन 2019 के चुनाव की हम बात करें तो ये वोट मार्जिन बीजेपी का बढ़ा था और बीजेपी को मिले थे 42,842 वोट, जिसमें कांग्रेस को 35,085 वोट पड़े थे, जबकि बीएसपी को 15,168 वोट। तो कांग्रेस का जो वोट है वो तकरीबन सेम, मैंने आपको ऐसे बहुत सारी विधानसभाएं दिखाई जहां पे कांग्रेस का वोट मत तकरीबन सेम है, जबकि बीजेपी का जो मत है वो बढ़ भी रहा है और कहीं कहीं पर कांग्रेस का मत ज़्यादा है, बीजेपी का कम है, क्योंकि हर विधानसभा के अलग अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, अलग अलग चुनावी मुद्दे हैं, अलग अलग चुनावी समीकरण हैं, अलग अलग जातीय समीकरण हैं, बहुत सारे विषय होते हैं। तो 14 के चुनाव में बीजेपी जीती थी और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी जीती थी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा से, और दोनों कंडीशन में जो वोट का मार्जिन था 2019 में वोट का मार्जिन बढ़ा। अब आते हैं 2024 के चुनाव में कि क्या 2024 के चुनाव में इस लोकसभा में बीजेपी बाजी मारेगी या कांग्रेस। बीएसपी का जो वोट मार्जिन है 8-15 हुआ था, बट क्या वो 30 पहुंच पाएगा। और अदर्स में अगर हम उमेश कुमार जी की बात करें जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, वो हरिद्वार ग्रामीण से कितना वोट ले पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। साथ में एक और चीज़ सोचने वाली है, वहाँ के विधायक इस वक्त के जो विधायक हैं वो कांग्रेस पार्टी की हैं, लेकिन बीजेपी के अतिश्वरानंद जी के ऊपर भी कहीं ना कहीं दारोमदार है, उनको भी सोचना पड़ेगा कि भाई एक विधानसभा चुनाव तो हम हार गए लेकिन क्या लोकसभा चुनाव में हम वोटों की संख्या बढ़ा पाएंगे। और एक और है जो समीकरण को समझने वाली है कि भाई बीजेपी से 2014 के चुनाव में तो 38,000 वोट मिलते हैं बीजेपी को, लेकिन 17 के विधानसभा चुनाव में 44,964 वोट, मतलब विधानसभा चुनाव में स्वामी अतिश्वरानंद जी को लोकसभा चुनाव से ज्यादा वोट मिलते हैं। फिर आता है 2019 का चुनाव, फिर से उन्हें 42,000 वोट मिलते हैं, 42,842 वोट, मतलब वोटों का जो डाउनफॉल है वो लोकसभा में घट रहा है एज कंपेयर टू कांग्रेस, वो बढ़ रहा है
लेकिन विधानसभा में बीजेपी के ही अगर वोट मत देखे जाएं तो भाई लोकसभा में 38,000, विधानसभा में 44,000, लोकसभा में 42,000, विधानसभा में 45,000, तो वोट विधानसभा में बढ़ रहा है। तो क्या स्वामी अतिशोरानंद जी लोकसभा में, लोकसभा के चुनाव के लिए नरेंद्र मोदी के नाम के लिए क्या वोट नहीं मांगते, या वोट उतने नहीं दे पाते, या वो समीकरण ही फिट नहीं बैठते? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ये चीजें आपको देखने को मिल रही हैं। जब अब हम आते हैं, बात करते हैं आपसे कि भाई यहाँ पे फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ये कुछ सवाल हैं जो आप लोग के लिए हैं। मैं चाहता हूँ बहुत ही शॉर्ट में चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। हमने आपको 2017-2022 के विधानसभा चुनाव की बात की, फिर हमने आपको ये बताया कि 2014-2019 का जो लोकसभा चुनाव था हरिद्वार ग्रामीण की विधानसभा से, कितने वोट मिले थे लोकसभा में और किस किस पार्टी को मिले, और वोटों का डिफरेंस कैसे है, और कहां पर विधानसभा चुनाव में कम हो रहा है या लोकसभा चुनाव में कम हो रहा है, ये हमने आपको बातें बता दी। अब कुछ सवाल आप लोग के लिए कि क्या हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा में कांटे की टक्कर होगी या नहीं होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उतना कांटे की टक्कर देखने को नहीं मिल रही है, तो क्या इस बार कांटे की टक्कर हो सकती है? चूंकि अभी हम जो विधानसभा की हम बात कर रहे थे वहां पे ऑलरेडी स्वामी अतिशोरानंद जी वहां से विधायक थे, और इस बार कांग्रेस के विधायक है, तो बीजेपी का विधायक है तो बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ सकता, मान सकते हैं कांग्रेस के कंपेरिजन में बीजेपी का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर वहां पे कांग्रेस के विधायक है तो क्या कांग्रेस के विधायक होने की वजह से क्या कांटे की टक्कर हो सकती है हरिद्वार ग्रामीण में? ये एक अहम सवाल है। और एक और पॉइंट, यहां से हरीश रावत भी चुनाव लड़े हैं साहब, तो हरीश रावत जी जो चुनाव लड़े थे वहां से हरिद्वार ग्रामीण से वो चुनाव हार गए थे 2017 का विधानसभा चुनाव। लोकसभा में भाजपा जीती लेकिन 2022 के चुनाव में भाजपा हार भी गई। ये पूरी आकलन के आधार पर हम आपको बता रहे हैं जो पूरा डेटा कहते हैं। और क्या अनुपमा रावत अपने विधानसभा में मजबूत पकड़ बनाए रखेंगी? कई बार ऐसा होता है कि भाई विधानसभा चुनाव तो हम जीत गए, ज्यादा नंबर ले लिया, ज्यादा वोट ले लिया, पर लोकसभा में हम कंट्रोल नहीं कर पाए। और कई बार ऐसा होता है कि एंट्री इनकम में से किसी व्यक्ति की है, उस वजह से वोटों का परसेंटेज डिफरेंस हो जाता है, लेकिन लोकसभा में शायद चीज़ें बदल जाती हैं, तो देखना होगा क्या होता है। और एक और अहम सवाल कि क्या स्वामी अतिशोरानंद जी इस लोकसभा चुनाव से हरिद्वार ग्रामीण में कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर भी दारोमदार है कि चूंकि ऑलरेडी बैक टू बैक वो दो बार विधायक रहे थे, इस बार का विधानसभा चुनाव वो हारे हैं, लेकिन क्या ये जो 2024 का चुनाव है, 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा मत दिलवाकर क्या स्वामी अतिशोरानंद जी हरिद्वार ग्रामीण के विधानसभा क्षेत्र में अपने आप को कमबैक कर पाएंगे? यानी कि अगर वो अनुपमा रावत जी को अपने उस लोकसभा चुनाव में हरा देते हैं तो ये माना जाएगा कि भाई स्वामी अतिशोरानंद जी कमबैक कर रहे हैं। हम भी जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों के अपने अपने मत होते हैं, उस मत को भी हम आपको दिखाते हैं, लेकिन जो आंकड़े कहते हैं, आंकड़े का मत और आंकड़े का पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग होता है। तो हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा चुनाव और हरिद्वार लोकसभा चुनाव के जो अंतर हैं, जो वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, वो हमने आपको बताया। फिलहाल आप क्या कुछ कहना चाहते हैं इस पूरे मामले को लेकर के, आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए, और देखते रहिए दोस्तों द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें ज़रूर बताइए कि हम आपको जो डेटा पेश कर रहे हैं उस डेटा के आधार पर आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, कौन जीत सकता है पूरे हरिद्वार लोकसभा का चुनाव, वो आप हमें ज़रूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।